भारत में जलवायु परिवर्तन ला सकता है बहुत बड़ा तबाही। जी हाँ, ये बात सच है। भारत के 40 करोड़ आबादी को हो सकता है बहुत बड़ा संकट। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इंटरनेशनल गवर्नमेंट फोरम ऑफ क्लाइमेट चेंज के अनुसार ही भारत में आ सकता है बहुत बड़ा संकट। जलवायु परिवर्तन के कारण धरती को बहुत बड़ा मुसीबत आ सकता है, और ये रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र में जो है पहुँचा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार धरती का परिस्थिति अभी बहुत ही खराब है, और आने वाले दिन में और भी बदतर हो सकता है। दुनिया का जो टेम्परेचर है उसमें भी जो है बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो सकता है। 10 से 20 सालों के अंदर ही जो है 1.5 डिग्री जो है धरती का तापमान बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा मुसीबत जो है आने वाले दिन में जो है मानव जात को आ सकता है। भारत के 54% जो भूमि का इलाका है वो एरिड सॉइल है। नई रिपोर्ट के अनुसार जो है आगामी 10 से 20 सालों के अंदर धरती का जो है 1 डिग्री जो है बढ़ सकता है, और इससे भारत में बहुत बड़ा तबाही मच सकता है। 50% आबादी जो है गर्मी से इफेक्टेड हो सकता है। भारत में कई सारे जो लैंडलॉक एरिया है, जैसे राजस्थान हो, हरियाणा हो या गुजरात हो, वहाँ पर जो है पानी का समस्या भी क्रिएट हो सकता है। गर्मी के कारण जो है काफी सारे नदियाँ जो है वो भी सूख जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार जो है इस तरीके से गर्मी का बढ़ना जो है हर 2000 साल में एक बार होता है। भारत के ज्यादातर लोग जो है रोजगार के लिए पर्यावरण के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भरशील है। ज्यादातर लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है आज भी भारत में काम कर रहे हैं। भविष्य में ये चेंज हो सकता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन जो है पहले जैसे पर्यावरण क्षेत्र में चिंता पैदा करता था, लेकिन आज ये रोजगार के क्षेत्र में भी जो है बहुत ज्यादा चिंता पैदा कर रहा है। 21वीं सदी में जिस तरीके से जल स्तर जो है बढ़ रहा है वो भारत प्रायद्वीप के लिए बहुत ज्यादा संकट का विषय है। समुद्र का वैश्विक स्तर जो है 1901 से लेके 2018 के बीच में 0.15% से लेके 0.25 मिलीमीटर तक जो है बढ़ चुका है, और इसमें से ही सबसे ज्यादा हैरान कर देने का बात है कि 1901 से लेके 1971 तक जो है समुद्र का जल स्तर जो है औसतन 1.3 मिलीमीटर बढ़ा है। वर्ष 1971 से लेके 2006 तक जल स्तर जो है वो 1.9% बढ़ चुका है। प्रति वर्ष 2006 से लेके 2018 तक जो है 3.7 मिलीमीटर जो है जल स्तर बढ़ा है। IPCC के वैज्ञानिकों के अनुसार जिस तरीके से जल स्तर जो है 1900 साल से बढ़ना शुरू हुआ है, वैसा तो 3000 साल तक भी पूरे दुनिया में जल स्तर इतना नहीं बढ़ा जितना 1900 साल से जो है जल स्तर जो है बढ़ना शुरू हुआ है। भारत के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह है कि भारत की तटीय जो ऊंचाई है वो है 7500 मीटर एवरेज। भारत का जो तटीय इलाका है वहाँ पर बहुत ज्यादा आबादी रहता है। भारत को समुद्र, ग्लेशियर और गर्मी तीनों ही चीज से जो है बहुत ज्यादा मुसीबत है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी भारत को अंतर्राष्ट्रीय सहायता का बहुत ही जरूरत होगा। नासा के अनुसार भारत के 12 शहर जो है बहुत ही जल्दी जो है खतरे में आ सकता है, पानी में जो है समा सकते हैं, अगर अभी से कोई व्यवस्था नहीं किया गया। नासा के अनुसार भारत में जल स्तर इंक्रीज होने के कारण 12 से ज्यादा शहर जो है वो पानी में समाहित हो सकते हैं। उन शहरों में जो है बड़े बड़े शहरों का भी नाम है, जैसे मायानगरी, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और मैंगलोर जैसे शहर भी शामिल है उनमें। उसके साथ साथ जो है भारत में कई सारे कोस्टल रीजन जो है पानी में चले जा सकते हैं। भारत के 40 करोड़ आबादी जो है एनवायरमेंटल रिफ्यूजी हो सकते हैं 2050 के अंदर। नासा के रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई में 1.87 फीट जो है पानी का स्तर जो है इंक्रीज हुआ। मुंबई में जो है 1.90 फीट जल स्तर जो है इंक्रीज हुआ। विशाखापट्टनम में 1.77 फीट जो है जल स्तर इंक्रीज किया। तूतीकोरिन में जो है 1.9 फीट जो है जल स्तर इंक्रीज किया। पारादीप में जो है 1.93 फीट जो है जल स्तर इंक्रीज किया। कोचीन में सबसे ज्यादा 2.32 फीट जो है जल स्तर इंक्रीज किया। कलकत्ता का खिदीपुर इलाके में जो है 0.49 फीट जो है जल स्तर इंक्रीज किया। नासा के अनुसार अगर क्लाइमेट चेंज जो है इस तरीके से बढ़ता ही चला जाए और इसमें कोई रोक ना लगे तो ऐसा हो सकता है कि ये शहर जो है बहुत ही जल्दी मतलब 2050 के अंदर ही जो है पानी में समाहित हो जाएंगे। और सी लेवल अगर इंक्रीज करेगा तो हिमालय में ग्लेशियर भी जो है बहुत जल्दी पिघल जाएंगे, इसका भी आशंका जो है नासा ने जताया है। डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जो है बिलियंस ऑफ बिलियंस लोगों को जो है इफेक्ट कर सकते।